हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में दोस्तों हम बात करने जा रहे हैं लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में वैकेंसी आउट हुई है दोस्तों। पोस्ट का नाम है टेक्निकल असिस्टेंट। दोस्तों कोई भी टेक्निकल फील्ड नहीं मांगी है, सारे के सारे नॉर्मल कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। आप भारत के किसी भी राज्य से बिलोंग करते हो, मेल हो फीमेल हो, आप सब लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। आपका सपना है दोस्तों हॉस्पिटल में काम करने का, यानी कि दिल्ली के लेडी हार्डिंग हॉस्पिटल में काम करने का, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल हो सकती है। क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे आपको अप्लाई कैसे करना है, सैलरी पैकेज, एज क्राइटेरिया, सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा, सारी बातें कवरअप कर लेंगे अपनी वीडियो में। तो अपने चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो, वीडियो को शेयर कर देना। बेसिकली दोस्तों बहुत जबरदस्त वैकेंसी आउट हुई है दिल्ली के लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में। पोस्ट का नाम है दोस्तों टेक्निकल असिस्टेंट। दोस्तों एज की बात करते हो, आपकी एज होनी चाहिए ज्यादा से ज्यादा 30 साल। अगर आपकी एज ज्यादा से ज्यादा 30 साल है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। तो सैलरी की बात करते हो, 20,000 रुपए पर मंथ के हिसाब से आपको सैलरी मिलेगी। दोस्तों ये जो पोस्ट आउट हुई है लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज के अंतर्गत, ये टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है और ये एक प्रोजेक्ट के तहत डिप्यूट किए जा रहे हैं। दोस्तों बात करते हैं इसमें एजुकेशन क्वालिफिकेशन की, तो आपकी सिंपल ग्रेजुएशन होनी चाहिए। आपने किसी भी फील्ड से ग्रेजुएशन की हुई है, डजंट मैटर दोस्तों टेक्निकल हो या नॉन टेक्निकल हो, आपके पास ग्रेजुएशन कंप्लीटेड होनी चाहिए तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। उसी के साथ साथ आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस होना अनिवार्य है। दोस्तों अगर आपके पास 1 साल का एक्सपीरियंस है और आपकी ग्रेजुएशन कंप्लीट है तो आप इसको अप्लाई कर सकते हैं। दोस्तों इसी के साथ साथ आपको बता दूं, आपको एमएस ऑफिस यानी कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस चलाना आना चाहिए तो आप इसमें एलिजिबल रहेंगे। अब दोस्तों बात करते हैं जो पोस्ट निकली है सरकारी है या कॉन्ट्रेक्चुअल है। बेसिकली जैसे मैंने आपको बताया, ये जो पोस्ट एक प्रोजेक्ट के तहत निकली है तो ये कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस है दोस्तों, लेकिन इसको फर्दर एक्सटेंड किया जा सकता है। दोस्तों ऐसा नहीं है एकदम से आपको निकाल देंगे, लेकिन ये सब आप पे डिपेंड करेगा आपकी परफॉर्मेंस पे। अब दोस्तों बात करते हैं इसका सिलेक्शन प्रोसेस कैसे रहेगा और आपको अप्लाई कैसे करना है। दोस्तों बात करते हैं आपको अप्लाई कैसे करना है। अप्लाई करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डायरेक्टली एप्लीकेशन फॉर्म का लिंक दे दूंगा। एप्लीकेशन फॉर्म का प्रिंट आउट निकालना, उसको नीट एंड क्लीन फिलअप करना। उसमें दोस्तों आप ध्यान रखना, जो अपना ईमेल आईडी और फोन नंबर डालोगे वो ऑथेंटिक और एक्टिव डालना, क्योंकि नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन कर दिया गया है। दोस्तों एप्लीकेशन फॉर्म के साथ साथ आपको क्या करना होगा, अपना एक सीवी बनाना है, जैसे कि रिज्यूमे आपको बनाना है। अगर आपको वो भी बनाना नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन में मैं डायरेक्ट एक लिंक दे दूंगा, आप डायरेक्टली वहां से बना सकते हैं। यानी कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म बनाना है, रिज्यूमे बनाना है, उसके साथ अपने सारे सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, जैसे कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन से रिलेटेड और दोस्तों एक्सपीरियंस के सारे सर्टिफिकेट्स लगाने हैं। ये सारे डॉक्यूमेंट्स लगाने के बाद, सेल्फ टेस्ट करने के बाद एक पीडीएफ बनानी है दोस्तों। वो पीडीएफ आपको इस मेल आईडी पे सेंड करनी है। बड़े ध्यान से समझ लेना दोस्तों, लास्ट डेट है दोस्तों मेल आईडी पे सेंड करने की 15 जनवरी 2021, दिन में 12 बजे से पहले पहले आपको सेंड करने हैं। काफी अच्छे से समझ जाना दोस्तों। अब दोस्तों बात करते हैं आपका सिलेक्शन प्रोसेस की। जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा वो रहेगा डायरेक्ट आपका इंटरव्यू होगा। इंटरव्यू दोस्तों डेट दे रखी है 22 से 28 तारीख के बीच इंटरव्यू होगा, लेकिन डिपेंड करेगा अथॉरिटी पे, क्या पता वो रिटर्न एग्जाम भी कंडक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों अपनी तैयारी के साथ जाना, डायरेक्टली वहां पे आप जा सकते हैं, आपका कम्युनिकेशन रहेगा उनके थ्रू और ऑफिशियल वेबसाइट से कनेक्ट भी रहना। सारी जो अपडेट्स आएंगी वो ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, डायरेक्टली आप वहां से कनेक्ट रह सकते हैं। दोस्तों अगर आप पर्टिकुलर अपने स्टेट के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना नाम, अपनी स्टेट, अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन जरूर मेंशन करें। तो वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।